हाय वेलकम टू बॉलीवुड न्यूज। इस फ्राइडे रिलीज हुई थी दो बड़ी बॉलीवुड फिल्में, एक गदर 2 तो दूसरी ओएमजी 2। फिल्म रिलीज होने के बाद हम जानना चाहते हैं फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। भाई पता तो होना चाहिए कि किस फिल्म ने कितनी मोटी कमाई की। कल था संडे और गदर 2 और ओएमजी 2 का फर्स्ट वीकेंड पूरा हुआ, तो पहले बात कर लेते हैं सनी पाजी की मूवी गदर 2 के बारे में। इस मूवी ने धमाकेदार ओपनिंग ली थी और संडे को भी मूवी ने जमकर कमाई की और 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन कर लिया और अब इसका 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 134 करोड़ 88 लाख रुपए हो गया है। मूवी के कलेक्शन को देखते हुए लग रहा है कि मूवी 15 अगस्त को 200 करोड़ को भी पार कर लेगी। सनी देओल ने अपने करियर में बहुत सी हिट फिल्में दी हैं, पर कमाई करने में ये सबसे ऊपर रहने वाली है। दूसरी फिल्म है ओएमजी पार्ट 2, तो इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ओपनिंग ली और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने आखिर फ्लॉप हो रही अक्षय कुमार की मूवीज पर स्टॉप लगाया है। मूवी ने संडे को 17 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया। ये और भी बेहतर होता अगर मूवी 20 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेती। खैर, फिल्म ने 3 दिनों में 43 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन कर लिया। आज यानी मंडे को मूवी 50 करोड़ को पार कर लेगी। 2021 में रिलीज सूर्यवंशी अक्षय कुमार की लास्ट हिट मूवी थी, उसके बाद लगातार 5 फ्लॉप मूवीज आई, मगर अब इस फ्लॉप लिस्ट को तोड़ने में ओएमजी 2 कामयाब हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर एक और मूवी चल रही है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। हालांकि मूवी को रिलीज हुई 17 दिन हो गए हैं, पर अभी भी मूवी इतनी कमाई कर रही है कि हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मूवी ने अपने तीसरे संडे को 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया और अब इसका 17 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 131 करोड़ 33 लाख रुपए हो गया है। मूवी का लाइफटाइम कलेक्शन 150 करोड़ के आसपास का होने वाला है। इस मूवी से पहले रणवीर सिंह ने भी लगातार 3 फ्लॉप मूवीज दी थी।